फैमिली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं हम लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरफ से आप सभी का गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो अभी हम लोग निकल रहे चाईवासा जा रहे हैं। चाईवासा फ्रेंड फाइनली मुझे रोहित जी लेने के लिए आए हैं। तो अभी रोहित जी के साथ मैं निकलती हूँ और रोहित जी भी जा रहे हैं, बाबू भी हम लोग का तैयार है, मैं ननंद भी रेडी है और यहाँ पर हम लोग का जो सामान सभी रेडी है देख सकते हैं। आज जानते हैं लाइट मॉर्निंग से जो कटा हुआ लाइट अभी तक लाइट नहीं आया है और इन्वर्टर का भी लाइट जो चार्जिंग है वो भी ख़त्म हो गया देख सकते हैं। तो इस वजह से ख़त्म हो गया तो ना पर घर जो अंधेरा अंधेरा लगा, काफ़ी टाइम से जला है लाइट इसलिए। तो अभी हम आपको दिखाते, आया था दो थैला लेकर के जा रहे हैं, चार पांच थैला क्योंकि उसमें राशन सब पूरा ले लिए है। अभी मकर संक्रांति आ रहा है तो मकर संक्रांति में जो बहुत सारा खाना सब्जी मेरे घर पर बनता है, साल में एक बार बनता है बहुत ज़्यादा खाना पीना ना गो बनता है कि नहीं बता। हाँ बहुत सारे सामान बनते हैं ना खाने पीने में, बहुत सारा मतलब 5-6 आइटम बनता है और वो सब हम अकेले बनाते हैं फ्रेंड। और काटने उठने में कोई हेल्प कर देने से वो हो जाता है ना। तो पिछले मकर संक्रांति में आप लोगों के साथ हम शेयर नहीं किए थे क्योंकि उस टाइम हम ब्लॉग नहीं बना रहे थे ना, कर देंगे इस बार शेयर करेंगे क्या क्या बना रहे नहीं बना रहे। बस एक चीज़ छोट करके वो है पीठा, पीठा हमको बनाना नहीं आता इसलिए हम पीठा नहीं बनाते फ्रेंड। बादल के सब कुछ हम बनाते हैं, पीठा नहीं बनाने जानते। मैं सास को बोलेगा अगर मैं सास ठीक से बना देगा तो ठीक है, नहीं बनाएगा तो उसका भी रेसिपी आपको नहीं मिलेगा। और मैं सास अगर बनाती है तो ना दीदी जीजा छोड़ने नहीं जाने सकेंगे, जीजा की चिकन दुकान बंद है, कोई है नहीं चिकन दुकान में, तो क्या करें अब ऑटो जाना पड़ेगा। चलिए तब ऑटो से जाते हैं। तो चलिए फिर आप देख सकते हैं इसमें मैं ननंद का कपड़ा सब है, इसमें राशन सब भरा है, यहाँ पर चावल है और ये भी है, इसको भी ले जाना। इसमें नया कपड़ा सब बाबू का है तो इसको तो नहीं भरे, तवा टो का लेके जा रहे क्योंकि रोटी बना के खाने नहीं सकते इसलिए। ये तवा है कि क्या है दीदी, बहुत खतरनाक दिख रहा है। डोसा भी बनता दीजिए, तो इसको ऐसा डोसा है तो किधर से चार्जर टो ना दूसरा में भरेंगे गिर जाएगा वरना चार्जर। तो दीदी अभी जो है सब भर दे रही है, मेरे को हेल्प कर दे रही है। इतना सारा हो गया ना फ्रेंड, और इससे सब राशन लेके जा रहा है, अभी मक्कर के लिए लेके जा रहा है फ्रेंड, वरना कहाँ कहाँ लेके घूमेगा। खाली सब्जी लेने के लिए सुबह में उठ के जाना पड़ेगा मॉर्निंग में। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए। तो अपना घर से निकल पड़े और यहाँ पे पूजा या काबिली दीदी घर में आके यहाँ पे हम लोग बैठे हुए मतलब खड़े हुए हैं क्योंकि जीजा जी आ रहे चिकन लेकर के बोल रहे कि और जीजा का ना चिकन दुकान बहुत ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से जीजा मेरे को छोड़ नहीं सकते। हाई था तो हाई लाल लाल गाड़ी तो ठीक अच्छी ना से पास रही नहीं अच्छी हो लोग बाबू को थोड़ा पकड़ पूरा गजरा हो जा रहा है, गजरा नहीं हो जा रहा है तो मजा से गोदिया नहीं करना से प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी जो है यहाँ पे हम लोग निकले हैं फ्रेंड घर क्योंकि अभी मकर आ रहा है, मकर पर्व मेन मनाता है क्योंकि मैं सास लोग उड़िया है यानी कि मैं भी उड़िया हूँ तो इसलिए मकर मेन बनाते हैं, इसलिए हम लोग फिर आप लोग ऐसे बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग पे। तो अभी हम बस स्टॉप जाएंगे, यहाँ से ऑटो पहले पकड़ेंगे बिष्णुपुर का, डायरेक्ट बिष्णुपुर से डायरेक्ट बस में बैठ कर चाय वहाँ से निकल जाएंगे। खदमा बाजार है इतना भीड़ देख रहा, कितना लंबा तक बाजार लगता है, काफ़ी ज़्यादा में भीड़ है देखिए। और ये गणेश मंदिर गणेश कहते हैं हाँ गणेश मैदान है छेटा कहते हैं बोर्ड मैदान से पूरा गणेश पूजा में ना पूरा भीड़ रहती है मैदान पूरा इतना लंबा। होटल तो भैया लोग बहुत स्पीड से ले जा रहे हैं बच्चों, तो आप लोग बड़ी हुई हैं जैसा हम लोग ऑटो से उतरे वैसे हम लोग गाड़ी में लगा बस। तो अभी हम लोग बस पर बैठ चुके हैं और बस खड़ी है आदित्यपुर अभी बैठने वाला है। तो अभी यहाँ पे तीन तो सीट है यार बस तीनों का सामान सब ऊपर में रख दिया है और अभी चावल और कुछ सामान सारे जो हाथ में कवर कर ले रहे हैं। चलिए आप लोग कैटू में ब्लॉक बना लिए, बस में बैठने से चक्कर से लगा था उल्टी उल्टी से लगता है, बहुत अच्छा से लग रहा है।
ऐसा पहुंच गए हैं तो हम लोग ठंडा लग रहा था इसलिए हम सर को ढांक लिए। और डेढ़ साल से ना कुजू नदी में पिकनिक बना रहे हैं। हम लोग फोन किया था दोबारा था उतर जाना चाहिए ना बस से, हम लोग वहाँ पे पिकनिक बनाते हो जाते हैं। हम लोग बोला कि नहीं हम लोग पहुँच गए चाहे वहाँ से तब जब हम बोल रहे ना तो हम उतर नहीं जाते क्या। बिस्कुट से हम नाश्ता आया तो पूरा चिकन खाते खाते बट चिकन खाए बना लेंगे घर में जाकर अपना भी ललच करना जरूरी की बात है ना। तब ये अपना तो अपना एरिया होता है भाई कि तो यहाँ पे आ चुके हैं। तभी हम लोग जब बस स्टॉप करेंगे तो हम उतरेंगे, उतर कर डायरेक्ट घर जाएंगे। ऐसे भूख तो बड़ी जोर से लग रहा है क्योंकि सुबह में सिर्फ नाश्ता करके आया, कुछ खाया भी नहीं है ना, सिर्फ डोसा खाया था। तो अभी आने से हमें नारियल हम लोग खाए थे आपका कि कहाँ को खाए थे नारियल क्या नहीं बोलते उसको हाथा 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 में सिर्फ जो नारियल खाए थे एक ठो तो उसके बाद तभी कुछ खाया था। भूख तो लग रहा है देखते वहाँ पर गर्म गर्म समोसा छाँक रहे हैं तो गर्म गर्म समोसा है ना खाएंगे और फिर घर निकलते फ्रेंड्स। अभी हम लोग घर जस्ट अभी ये घर आ गए और पहुंचने के बाद अभी जो हम जैसे बाबू को यहाँ पे सोलाए बिस्तर पे तब तक हम मेरा नज़र गया पार्सल में। दो तो पार्सल आया है ये देखिए इसमें क्या है ये तो आप लोगों नेक्स्ट ब्लॉग पे पता चलेगा। और अभी जो बड़ी जो है भूख लग रहा है तो आते समय में हमने गर्म गर्म समोसा लिए, समोसा गर्म गर्म खाते फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा है। अभी खाना बनते बनते शाम रात हो जाए इसी वजह से यहाँ पे समोसा है, समोसा धनिया पत्ता का चटनी है। तो चलो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए। रोहित जी गए हैं और ये लेकर कार्य बर्तन, मुझे तो लगा कि ये चले गए हैं बाहर। तो चलिए निकालते समोसा, समोसा आ चुका बराबरी समोसा लिए है ना गो बराबरी समोसा ना तो चलो तो भी खा ले। तोर अच्छी तो दादर अच्छी है मोर अच्छी। तो मेरा ना खाना तो बन गया था बट सब्जी नहीं बना था। क्यों नहीं बना था पूछिए पता है क्यों नहीं बना था? क्योंकि अदरक था लहसुन नहीं था तो लहसुन का वजह से हम बना नहीं पाए थे। हम गए थे दुकान तो दुकान में पूछने के अदरक लहसुन का पेस्ट मिलता है ना वो वाला मिल जाने से बना लेते बट वो वाला भी नहीं मिला। तो फिर लास्ट में क्या किया हम लोग बोले कैसे बने मैं सास के घर जाना था तो चलो सास के घर तो क्यों ना घूम कर आ जाए और थोड़ा मक्कर का बारे में पूछ लें कि पीठा उठा बनाना है कि नहीं बनाना भूल कर। तो मैं तो गई थी फ्रेंड मजे से बट मैं सास मिली थी, मैं सास जो कहीं जा रही थी इस वजह से वो बात नहीं की मेरे साथ। वो बोली कि हम आ रहे घर में तुम रहते रहो बल्कि बोले। तो फिर हम आ देखे 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 फिर नहीं आए तो फिर मैं दुकान से लहसुन और धनिया पत्ता और जो है कुछ कुछ मसाला ऐसे पाउडर लेते हुए आए थे। यहाँ पर देख सकते धनिया पाउडर और यहाँ मिर्ची पाउडर। तो चिकन पकौड़ा बनने वाला है और यह जो चिकन का सब्जी बनने वाला है इसमें तो यहाँ पर मिला है 10 रुपये मुट्ठी धनिया और 3 है नींबू 10 रुपये का तो इसी का जो अभी बनाना होगा। तो चलो आप लोग बने रही और मैं चिकन सब अच्छे से पौधा भी रखे थे यहाँ पे देखते इतना सारा। आप लोग बैक कैमरा से दिखा रहे बैक कैमरा से दिखाएं तो आप लोग अच्छे से पता चलेगा। तो चलिए आप लोग दिखाते हैं सर चिकन जो ये चिकन पकौड़ा बनाएंगे क्योंकि रोहित जी बोल रहे हैं मेरे को चिकन का पकौड़ा खाना तो यहाँ पे चिकन का सब्जी बनेगा और 3 आदमी में कितना चिकन होगा इसलिए तो मैं सास के घर में भी आ गया सब्जी अभी बना के पहुँचाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते पकौड़ा पहले बनाते और इसका सब्जी तो मसाला पीसने वाले तो फटाफट मसाला को तो करना होगा ना। और यहाँ पर प्याज रोहित जी काट दिए हैं और टमाटर काटे तो बस हमको थोड़ा सा पीसना होगा मसाला। तो हम भी जीरा और डाल के उसको पहले जो है चिकन पकौड़ा के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। देखे देखिए चिकन पकौड़ा फ्राई हो रहा है वहाँ पे और यहाँ पे चिकन का सब्जी बन रहा है और यहाँ पे चिकन फ्राई हो चुका है देख सकते हैं कितना टेस्टी टेस्टी है। मैंने आज मैं बनाई हूँ फर्स्ट टाइम तो मज़ा आ गया। और यहाँ पे प्याज को जो मैंने अनंत काटी है गोल गोल तरह और इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड करेंगे थोड़ा सा और कल तो उसको तो यहाँ पर नींबू आ चुका है और यहाँ पर चाट मसाला तो इसका मैं ऐड करके रोहित जी को देते हैं। चलिए आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। रोहित जी को दे दी हूँ और बताओ कैसा लग रहा है खाने में आज चिकन पकौड़ा? चिकन पकौड़ा एक नंबर है जो बनाया बहुत ही यम्मी सेम अच्छा लग रहा है। पूजा दीदी जैसे बनाए कि पूजा दीदी से कम अच्छा बनाए बताओ? सेम लग रहा है लेकिन हमको लगता है कि हम पूजा दीदी से मतलब सेम नहीं बनाए क्योंकि पूजा दीदी का थोड़ा अलग लगता है। हाँ खट्टा खट्टा ना चलो खाओ हम जाते उधर। ब्लॉग को लाइक शेयर कर दीजिए दीजिए और मैं ब्लॉग का इंतजार कीजिए और कमेंट से बताइए मेरे ब्लॉग कैसे लगता है। तो अभी मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ बनी रही।